भैया आज लगभग 10:30 बजे क्लाउड बस्ट हुआ है ऊपर के इलाकों में, जैसे बठिन और जो उनकी पहाड़ी है, जो उनका जो जो पूरा पानी है वो खरीव के हिस्से, मतलब खरीव जो है इधर नाला है वो यहाँ से ही आता है सब पानी। इसकी वजह से जो ड्रेने हैं और नाला है वो ओवरफ्लो हो गई, ओवरफ्लो की वजह से दुकानों में पानी घुसा और सड़क पर भी, आप देखिए कितना पानी आया है। और हम पूरा मैनेड मशीनरी इसी वक्त से हम अपने काम पे लगे हुए और क्लियर कर रहे हैं। हमारा जेसीबी भी इधर है और हमारे जो वर्कर हैं सैनिटेशन वर्कर वो भी काम पे चल रहे हैं। पानी की जो ज़्यादा पानी आया है इसकी वजह से लोगों में पैनिक हुआ है। पैनिक इसलिए हुआ है कि जो पानी घरों में भी घुसा है और दुकानों में भी घुसा है पानी, और उसमें वो कीड़ा कूड़ा करकट और जो उसमें मिट्टी विट्टी आई है वो दुकान में, अलबत्त हम उसके लिए तैयार हैं, हम सफाई कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पोखरीबल जंत्रा पठन जो होता है ना सर, वहाँ से ही क्लैश हुआ पानी का, वहाँ से फिर ड्रेनिंग सिस्टम जो है ये पूरा जाम का, कचड़ा वचड़ा पॉलिथेन बाकी चीज ये जाम हो गया, फिर दुकानों में घुस गया और घरों में घुस गया सर। उसके बाद टाउन वाला आया, इन्होंने सब सफाई वफाई किया, अब अभी काम चल रहा है, क्लियरेंस कर रहा है सर। मेरा नाम है इरफान अहमद भट्ट, ये तो हर साल होता रहता है, हर साल इसमें आरंभ भी इन्वॉल्व है। हमने उनसे लगभग 5-6 बार हमने उनसे अपील की कि जो उन्होंने पुल बनाया है सारा पानी, सारा जो फ्लड है ये इसी वजह से आ रहा है। 4 फुट की ड्रेन है, 20 की हाइट देखो, खाली 1 फुट है, 3 फुट जो है वो ब्लॉक है। ये टाउन वाले बस उनसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको बस आप साफ रखिए, तो ये जो बाढ़ ये नहीं आएगा। ये तो हर साल है, मानो साल में 2-3 बार ये तो होता रहता है हमारे साथ। देखिए आप अभी कितना नुकसान हुआ है हमको।